जसवंतपुर चाटानगर एक्सप्रेस अग्निकाण्ड आन्ध्रप्रदेश पूर्व गोदावरी स्थित गोलापोल्लु निकट अग्निकाण्ड घटी टाटानगर एक्सप्रेस तीन बगरे लगी अग्निकाण्ड जो दुईट कोच और फैक्ट्री पैंट्री कार क्षतिग्रस्त हो अग्निशम विभाग घटनास्थल में पहुंची समस्त यात्री को उद्धार कर अग्निकाण्डर कारण जमापड़ना भुवनेश्वर शहीदनगर थाना पुलिस को माड़ घटन पुलिस छानभिन दुई जन को गिरफ्त कर शहीदनगर थाना पुलिस यह घटन अन्य खुब शीघ्र गिरफ्त करने को छानभिन कर पुलिस रविवार थाना पशि पुलिस को माड़ सह भंगारुजा कर नाही नाही रे चली ढेंकानाल भुवन स्वास्थ्य केन्द्र छमास सेवा मेडिकल रे डाक्तर नथिबा बळे फार्मासिस्ट का भरोसा चली रोगी सेवा जहाँ कुने स्थानीय बासिंदा मध्य असंतोष चरम सीमार पहुंची रोगी अछंती मात्र डाक्तर को देखा नहीं बहु गुरुत्वपूर्ण विभाग रे झुलुची ताला ए दृश्य ढेंकानाल भुवन मेडिकल रो रोगी माने चिकित्सा आशारे तो एठाकु आसुछंती मात्र मिलुनी उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा डाक्तर को जगारे मेडिकल काम चलाउछंती हात गणती फार्मासिस्ट एठे देह खराब जे आसतिले किंतु डाक्तर के उपलब्ध नहांती आउ सीरियस पेशेंट माने भी बहुत हरकत हैरान होउछंती से मानको कामाख्या ढेंकानाल पठाई देउछंती जदि बाटे किछि हे जाय कि तार रिक्स नब अनुरोध करुछि सरकार बार्ता पहुँचाइबा को चाहूँ आज जो वरिष्ठ नागरिक माने आंदोलन को ओल्लैंती निश्चय से अनैबा को चेष्टा करंतु आउ जेते शीघ्र आम भुवन डाक्तरखाना डाक्तर नियुक्ति दियंतु मेडिकल रे 6 मास हेब खाली पड़ी डाक्तर पदवी एने स्थानीय बासिंदा मध्यरे वृद्धि पाउछि असंतोष तेबड़े कामाख्या नगर रु दुई डाक्तर को डेपुटेशन रे अणा जाय चिकित्सा करा जाउथुबा सफेई देछंती जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी विगत दिन जिते थर स्ट्राइक होते थर डक्टर अस्थायी डाक्टर सरकार दे दिखते पुणी प्रत्याहर करनी तेणु मोर एक अनुरोध स्थायी डक्टर दिंतु एवं ये जो आठ जन डक्टर रोते आगुरु से स्पेशलिस्ट चार पाँच जन मिनिमम दिखाँ गाइनिंग फाइनिंग डक्टर दिखाँ गाइनिंग पेडियाटिक जो निहाती हैरान हो सर्जिकल आउ डेपुटेशन दे बारंबार नहीं जावा ठीक कथ नु भुवन सांसन स्ट्रेक्ट जड़े इनचार्ज अच्छा बाद पांच जन समस्ते पी जी स्टेड रही तेणु से पोजिशन आम से भी गवर्नमेंट को जनाई पी जी स्टेड अच्छा तेणु आम मैनेज करूँ नुआ रिक्रुटमेंट है निश्चय ये भुवन तुरंत डाक्तर पदवी पूरण नगामी दिन में यार जवाब दिज्वी चेतई स्थानीय बासिंदा ढेकाना आशीष रंजन शतपथी न्यूज 18 ओडिया खरा आरंभरु जल कष्ट गंजाम कविसूर्य नगर में देखादेगी पानी जल समस्या सहर में अधिकांश नलकू अचल हो पड़ता बेले प्रशासन एने कौन पदक्षेप ने अभियोग स्टैंडपोस्ट अच्छी मात्र पानी बाहर नलकू भी दीर्घ दिन अचल गंजाम कविसूर्य नगर पुराणा थाना अंचल में खरा आरंभ देखादेगी पानी जल समस्या सहर में मोट 18 वार्ड में रही शहे अधिक नलकू मात्र यह अधिकांश अचल फळरे पानी पाई नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउछंती सहरवासी आपण जानिबे पानी माने मागिले मते गा माने साई लोक घर लोक के देबा प्रस्तुत नहांदे कारण आमे जते समस्या समाधान करबा चेष्टा करूछु किंतु सरकार ता उपर तत्पर ही नहांदे पीएचडी एसडीओ को मते जणाइथिलु एजडी नु जणाइलु एले मते यार विहित प्रतिकार किछि नाही एठारे ट्यूबवेल थिला मते ट्यूबवेल डाकू उपडेगिरी नै गेले कोठे करले तांको जणा आमर एठे ट्यूबवेल नाही सहरवासी को पानी जोगाइबा लागि जनस्वास्थ्य विभाग पक्षर निर्माण होइथला पानी टांकी तासह करा जाइथला सह सह स्टैंड पोस्ट मात्र रक्षणाबेक्षण अभाव अधिकांश एबे भांगी रुजि गला ए संपर्क रे बारंबार जणाइथिले मध्य प्रशासन चुप बसीथिबा अभिजोग होइछि सेपटे समस्यार समाधान पई प्रतिश्रुति दैछंती जनस्वास्थ्य विभाग रे अधिकारी सातटा प्रॉब्लम होउछि सातटा प्रॉब्लम हो जोडे पानी आउछि सेर फापजेंट आउछि गोटे साइज पानी आउछि गाड़ी धोउछन्दि लोक बल धोउछन्दि लोक जे सब प्रकार विभिन्न गाधोउछन्दि मेरा काई ना किछि खाली कहउछन्दि आ करू आज्ञा ए टांकी खराब हो जाय जे ये खराब हो जाय जे साइज प्रॉब्लम देखियो कर दो आगु आरो थोर करू काई करउछन्दि गाय एई गाल साइज क्लब बैक साइड रे स्टोर करकि से उडाय अंचल को दिया जाउछि पावर ब्रेकडाउन कि हमरो पंप ब्रेकडाउन समय रे कि किछि प्रतिक्रम होउछि
ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାର ଟେଣ୍ଡର ବି ଡକା ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଲୁଣି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର ତ୍ରାଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲିଠୁ ତ୍ରାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ର 2ରୁ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ ଏଲ୍ଓସି ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଲଗାତାର ଗୁଳିମାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଗତ ରାତିରୁ ସୀମା ନିକଟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୁଳିମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ 13 ପଏଣ୍ଟ ରୋଷ୍ଟରର ପୁନର୍ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟକୁ ନେଇ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଆଜି 21ଟି ଦଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ରେଳରୋକ କରାଯିବା ସହ ରେଳ ଧାରଣାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ବିଶେଷ କରି ବିହାରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜହାନବାଦରେ ଆର୍ଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରେଳରୋକ କରାଯାଇଛି, ସେହିପରି ଆରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ୍ ସେଠାରେ 10 ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ରୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଖବର ଆସିବ। 13 ପଏଣ୍ଟ ରୋଷ୍ଟର ଆବେଦନର ପୁନର୍ବିଚାରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆରକ୍ଷଣ ହୋନା ଚାହିଏ ଔର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ନହି ହୋନା ଚାହିଏ, ଏହି ସରକାର କି ଭୂମିକା ହେ ଔର ଇସଲିଏ ମୈନେ ଲୋକସଭା ମେ ଔର ରାଜ୍ୟସଭା ମେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦିଆ ଥା कि अगर हमारा रिव्यू पिटिशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं और 2 दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको 2 दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूं। आज जो कुछ लोग इसमें गलतफहमी होगी या दूसरे किसी उद्देश्य से लेकिन आंदोलन पे आए हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब आंदोलन करने की उनको जरूरत नहीं है। सरकार न्याय देगी, 200 पॉइंट रोस्टर लाएगी और कैसे लाएगी इसके लिए केवल 2 दिन की प्रतीक्षा करें, यही मेरा अपील है। ଭାରତକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କରମୁକ୍ତ ଦେଶର ମାନ୍ୟତାକୁ ଫେରାଇ ନେବ ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏନେଇ ସଂସଦକୁ ଏକ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପତ୍ରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲାଇଜଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସେସ୍ ତଥା GSP ଯୋଜନାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାରୁ ଭାରତକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଲାଗି ଉଚିତ ପରିମାଣ ଓ ସମୁଚିତ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନାହିଁ। ଏହି ରାଜିନାମା ବଳରେ 5.6 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୁଏ। ସେପଟେ ତୁର୍କୀକୁ ମଧ୍ୟ କରମୁକ୍ତ ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ଏହାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ଅବସରରେ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଦୀପ ମାତ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। We should remember the tremendous sacrifices and the great works he did for the state. ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍କୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ, ଏଥିସହିତ ଗରିବଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
विजु बाबू जयंती अवसर में भुवनेश्वर एक मिनी माराथन आयोजन विभिन्न वर्गर लोके भाग नहीं गण दौड़ शिशु भवन छक राजमहल एजी छक गवर्नर हाउस छक और पावर हाउस छक कलिंग स्टेडियम पर्यंत जा एटा गोटे उद्देश्य हूँ पिला भितर जमी विजु पट्टनायक पिला बेलू ही साहसिकतार प्रतीक थे निर्भीकतार प्रतीक थे सब प्रकार चैलेंज को एक्सेप्ट करुले तेणुक पिला भितर से भाव निर्भीकता साहसिकता एवं प्रतिजोगितामूलक मनोभाव को रखापी सबुदिन माराथन आयोजन कन्फिडेन्स लेवल बिल्डअप करने आगुरी तो करूँ कि छुआ सहित आम भी गर्व जहा हूँ छुआ सहित मुझे जेहेतु मुझे अनुभव कर सहित खेली पारे आ स्पोर्ट्स मैन स्पिरिटा रही आजिकल पढ़ले कि हुएना फिजिकल फिटनेस रहा दरकार जेहेतु शरीर स्वास्थ्य ही संपद आने जदि कले आग कि लड़ पारे एटा आमर गोटे फास्ट सेकेंड तो गोटे गर्वर कथा किंतु आमे एटा जो करूचु आम फिटनेसटा को आमे रखुचु जहा हूँ 65 वर्ष रे गोटे 6 किलोमीटर हौ 7 किलोमीटर हौ आमे फिनिशिंग करी आसी पारचु सेवरे फॉरेस्ट पार्क रे थिबा विजु बाबूंकर प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्य अर्पण करिछन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ए अवसर रे संस्कृति पर्यटन मंत्री अशोक पंडा सांसद प्रसन्न पाटसाणी प्रमुख उपस्थित थिले समय बुलेटिन बर्तमान खबर को नमस्कार।